हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टेक्नो ओरिजिन में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने YouTube वीडियोज का SEO कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप SEO के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको सबसे पहले SEO का फुल फॉर्म बता देता हूं। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, आपने देखा होगा यदि आप किसी टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करते हैं देन सर्च लिस्ट में काफी सारे वीडियोज वहाँ पे शो करने लगते हैं। रीजन यही कि उन सारे वीडियोज में काफी अच्छे से SEO किया गया, इसीलिए वो सारे वीडियोज वहाँ पे रैंक करने लगते हैं। यदि आप भी अपने वीडियोज में अच्छी तरह से SEO करके अपने वीडियोस को YouTube पर अपलोड करते हैं देन काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका वीडियोस भी YouTube सर्च लिस्ट में शो करे और आपका वीडियोस भी रैंक करे। और स्वाभाविक सी बात है, यदि आपका वीडियो YouTube सर्च लिस्ट में रैंक करने लगता है तो आपके उस वीडियोस में काफी ज्यादा व्यूज आएगा और व्यूज के साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे और साथ साथ आपका चैनल भी काफी जल्दी ग्रो होगा। तो दोस्तों, यदि आपको अभी तक अपने वीडियोज का SEO करना नहीं आता तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक एप्लीकेशन VidIQ की मदद से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने वीडियोज का SEO कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको SEO करने का बहुत सारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जैसे कि VidIQ, TubeBuddy, लेकिन मुझे पर्सनली जो है VidIQ यूज करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सो मैं आज इस वीडियो में आपको VidIQ की मदद से आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियोज का SEO कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड अपडेट हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, SEO करने से पहले आपने जिस भी वीडियो और थंबनेल को एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है उस थंबनेल और वीडियोज का जो फाइल नेम है उसे आपको चेंज करना है। मतलब आपका कंटेंट जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको सर्चेबल कीवर्ड यहाँ पे आपको रीनेम करना है। ध्यान रहे, ये काम आपको थंबनेल और वीडियोज दोनों के फाइल नेम में आपको चेंज करना है। एंड ये दोनों प्रोसेस हो जाने के बाद ही आपको वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करना, और यूट्यूब पर वीडियो कैसे सही तरीके से अपलोड किया जाता है इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाया हुआ है, उसे भी आप एक बार जाके देख लें। और ध्यान रहे, वीडियो अपलोड करते समय उसे प्राइवेट या अनलिस्टेड में ही उसे सेव करके रखें। देन इतना करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है VidIQ, और सबसे ऊपर में जो इसका ऑफिशियल ऐप आ रहा है उसे यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको यहाँ से ओपन करना है, और जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने जो यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप विद गूगल पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको उस गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिस गूगल अकाउंट से आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, और फिर आपके सामने जो है इस टाइप का इंटरफेस खुलेगी। और यदि आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका कुछ वीडियो शो करेगा, और यदि आप नीचे शो ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपके चैनल पर जितने भी कॉन्टेंट है वो सारे कॉन्टेंट यहाँ पे शो करने लगेगी। देन दोस्तों, आप जिस भी वीडियो में SEO करना चाहते हैं उस वीडियो के टाइटल में आपको सर्चेबल कीवर्ड ही आपको ऐड करना है, और सर्चेबल कीवर्ड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके लिए आपको नीचे जो है रिसर्च पे आपको क्लिक करना है। देन आपके वीडियो का जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मेरे वीडियो का टॉपिक है कि आप SEO कैसे कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया SEO कैसे करें इन हिंदी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस कीवर्ड का रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। इस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 शो कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा तो आप इसे नहीं बोल सकते हैं। यदि 60 प्लस ओवरऑल स्कोर होता तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता, इसलिए आपको इस कीवर्ड को यहाँ से इग्नोर करना है और दूसरा कीवर्ड आपको रिसर्च करना है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ, VidIQ ऐप से SEO कैसे करें। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर यहाँ पे 60 दिखा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इस कीवर्ड को आप अपने वीडियोस के टाइटल में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है, और यदि आप नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आपका कुछ कीवर्ड आपको रिकमेंड करेगा, यहाँ से भी आप अपने कुछ कीवर्ड को आप अपने टाइटल में ऐड कर सकते हैं। इस कीवर्ड को टाइटल में ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस कीवर्ड को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। सो इसी तरह से आपको भी अपने वीडियोस के टाइटल के लिए सर्चेबल कीवर्ड पे आपको यहाँ पे रिसर्च करना है, और इतना करने के बाद नीचे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस भी वीडियो में SEO करना चाहते हैं उस वीडियो पे आपको क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको टाइटल के आगे जो पेंसिल का आइकन दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको इसे इरेज कर देना है। उसके बाद आपने जो सर्चेबल कीवर्ड को कॉपी करके रखा हुआ है उस कॉपी किए हुए कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यदि आप और भी सर्चेबल कीवर्ड को अपने टाइटल में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उस सर्चेबल कीवर्ड को अपने टाइटल में ऐड कर सकते हैं। और ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद आपको ऊपर सेव पे क्लिक करना है, देन आपके गूगल अकाउंट पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगी, उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पे इंटर करना है।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ईमेल आईडी में भिडाक्यू की ओर से एक वेरिफिकेशन कोड आ चुकी है। इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी किए हुए कोड को यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। देन आपको नीचे जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन ऊपर आपको सेव पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपने वीडियोज में सर्चेबल कीवर्ड का आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको वायरल टैग आपको अपने वीडियोज में ऐड करना है। इसके लिए नीचे आपको सर्च कीवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने वीडियो से रिलेटेड ही कीवर्ड आपको यहाँ पे सर्च करना है। और जिस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उन सारे कीवर्ड को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको ऐड सेलेक्टेड कीवर्ड्स पे आपको क्लिक करना है। देन ये सारे कीवर्ड आपके वीडियो के टैग में लग जाएगी। और इसी तरह से नीचे सर्च पे क्लिक करके आप सर्चेबल कीवर्ड का पता लगा सकते हैं और जिसका ओवरऑल स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो उसे अपने वीडियो के टैग में लगा सकते हैं। और ध्यान रहे आप अपने वीडियोज में मैक्सिमम 500 वर्ड्स का टैग लगा सकते हैं। और ये सारे कीवर्ड टैग में लगाने के बाद नीचे आपको सेव योर चेंजेस पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपने वीडियोज में वायरल टैग लगा सकते हैं। अभी यहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो का SEO स्कोर 26 हो चुका है। आपको यहाँ पे मिनिमम 48 SEO स्कोर करना है तभी आपके वीडियो का SEO स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यदि आप राइट साइड चेकलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगी। यहाँ पे बताया गया है कि SEO करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना होगा, जैसे कि टैग लेंथ आपको जो है मैक्सिमम 500 तक ही करना है, जिसमें से अभी आपका 28 ही हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोथ कैप्शंस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने टैग में और टाइटल में कम से कम एक ऐसे टैग को लगाना जो दोनों में मैच करता हो, साथ ही साथ एक टैग आपको डिस्क्रिप्शन में भी लगाना है। उसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक को भी आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम जो है 15 जो आपको हैशटैग लगाना है। यहाँ पे चेक करने के बाद आपको फिर से एडिट पे क्लिक करना है और जो जो प्रोसेस आपका इनकम्प्लीट है उन सारे प्रोसेस को आपको यहाँ पे कम्प्लीट करना है। जैसा कि मेरा टैग लेंथ अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, सो मुझे यहाँ पे टैग लेंथ को कम्प्लीट करना है। सेम आपको भी इसी तरह से अपने टैग लेंथ को कम्प्लीट करना है। ध्यान रहे उस वीडियो में एक टैग अपने चैनल के नाम पर भी लगाना है। और टैग लेंथ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपली नीचे सेव योर चेंजेस पे क्लिक करना है और इस तरह से इन सारे टैग को आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग ऊपर देख सकते हैं अभी इस वीडियो का SEO स्कोर यहाँ पे 30 हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे मिनिमम 48 करना है। आपको आगे फिर से टाइटल के आगे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से इन सारे टाइटल्स को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से बैक जाना है और यहाँ से जो है नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके आगे जो पेंसिल का आइकन दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे उस कॉपी किए हुए टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद अपने डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियोज के बारे में एक दो शब्द लिखना है। इसे और अच्छे से जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको अपने वीडियोस के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखना है। इतना हो जाने के बाद आपको यहां से वीडियो से रिलेटेड कुछ हैशटैग लगाना है। आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं यहां पे जिस तरह से अपने वीडियो से रिलेटेड हैशटैग लगा रहा हूं, सेम इसी तरह से आपको भी अपने वीडियो से रिलेटेड ही हैशटैग लगाना है। और ध्यान रहे आपको मैक्सिमम जो यहां पे 15 ही हैशटैग लगा सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा हैशटैग अपने वीडियोज़ में लगाते हैं तो वो सारे हैशटैग आपका स्पैम हो जाते हैं। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम जो यहाँ पे 8 से 10 हैशटैग ही अपने डिस्क्रिप्शन में लगाइए। और इतना करने के बाद आपको नीचे कवर टॉपिक लिख करके जो अपने वीडियो से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड जो है सर्चेबल उन सारे सर्चेबल कीवर्ड को आपको यहाँ पे इंटर करना है। आप नीचे में देख सकते हैं भिडाक्यू आपको खुद रिकमेंड कर रहा है कि इन सारे कीवर्ड को आप अपने डिस्क्रिप्शन में लगाइए। तो आपको नीचे सजेस्ट किए हुए जितने भी कीवर्ड है उन सारे कीवर्ड को अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। और ध्यान रहे आपको अपने डिस्क्रिप्शन में 8 से 10 ही सर्चेबल कीवर्ड को लगाना है। यदि आप ज़्यादा कीवर्ड को अपने डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं तो वो सारे कीवर्ड आपका स्पैम हो जाएगी। तो जैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लगा रहा हूँ, ठीक इसी तरह से आपको भी अपने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में इसी तरह से आपको कीवर्ड लगाना है। इतना करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया का लिंक को भी आपको ऐड करना है। आपको ठीक इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक इसी तरह से भी आपको अपने सोशल मीडिया का लिंक को आपको ऐड करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल मीडिया का लिंक को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक इसी तरह से भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक को ऐड करना है। और यदि आपने अभी तक मुझे इन सारे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लें। और यहाँ पे आप किसी वीडियो के लिंक को भी आप ऐड कर सकते हैं।
इसके साथ ही एक हैशटैग आपको अपने चैनल के नाम पर लगाना, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है टेक्नो ओरिजिन, तो मैंने यहाँ पे हैशटैग टेक्नो ओरिजिन लगाया। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने चैनल के नाम पर हैशटैग लगाना है। और ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद आपको सिंपली ऊपर सेव पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपने वीडियोज का SEO लगभग 95% आपने कम्प्लीट कर लिया है। तो दोस्तों यदि आप SEO स्कोर पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके इस वीडियो का SEO स्कोर 48 हो चुका है आउट ऑफ 50। यदि आप और भी टाइम देकर के अपने वीडियो का SEO करते हैं तो आप 50 आउट ऑफ 50 SEO स्कोर ला सकते हैं। यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका SEO स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपका भी वीडियो सर्च लिस्ट में रैंक करने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी आसानी से VidIQ ऐप की सहायता से अपने वीडियो में SEO कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप इसी तरह से VidIQ ऐप की मदद से आप अपने वीडियोस का SEO करते हैं तो आपका भी वीडियोस 100% यूट्यूब सर्च लिस्ट में रैंक करने लगेगी। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि कैसे आप VidIQ ऐप की मदद से आप अपने वीडियोज का SEO कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू।